हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बनाएंगे एक इन्वर्टर। तो देख सकते हैं ये इन्वर्टर बनेगा 2N3055। देख सकते हैं ये वाला ट्रांजिस्टर इससे बनेगा। ये दो ट्रांजिस्टर लेंगे फिलहाल टेस्टिंग के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं एक बैटरी जो कि 12 वोल्ट में लिथियम बैटरी। और ये रहा ट्रांजिस्टर का सेपरेटर, इसको भी यूज करेंगे क्योंकि एक ही हीट सिंक में लगाएंगे तो इसको सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। तो देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर को यहाँ पर ऐसे फिक्स करेंगे। यहाँ ये जो ट्रांजिस्टर प्लेट है ये बहुत बड़ा है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ दो ही ट्रांजिस्टर लगा के चेक करेंगे। तो देख सकते हैं ये तो हमने सेपरेटर लगा दिए जो कि सिलिकन प्लेट है इस तरह से। और इसमें जब स्क्रू लगाएंगे तो उसमें भी स्पेसर आता है वाइट कलर का जो कि प्लास्टिक में है। ये देख सकते हैं ये रहा बोल्ट का स्पेसर कुछ इस तरह से। ये दोनों लगाने से जो है हीट सिंक से इसका कनेक्शन नहीं होगा, देख सकते हैं। तो दोनों ट्रांजिस्टर जो है हीट सिंक से सेपरेट रहेगा ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। ये तो हमने दोनों ट्रांजिस्टर को इस तरह से लगा देंगे। ये तो एक ट्रांजिस्टर लग गया और ये देख सकते हैं दोनों ट्रांजिस्टर यहाँ पर सेट कर दिए हैं। तो चलिए इसमें अब जो है ये दोनों ट्रांजिस्टर का जो एमिटर पॉइंट है उस एमिटर पॉइंट में दोनों ट्रांजिस्टर का एमिटर में एक वायर कनेक्ट करेंगे जो कि ये माइनस इनपुट होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर माइनस इनपुट, और यहाँ पर जो इसका देख सकते हैं बेस, एक ट्रांजिस्टर का बेस और एक ट्रांजिस्टर का कलेक्टर कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये अभी हम जो लगा रहे हैं दो ट्रांजिस्टर दो रेजिस्टर जो कि है दोनों मिला के 330 ओम का हो रहा है। तो हम मेरे को 330 का रेजिस्टर नहीं मिला तो हम दो ट्रांजिस्टर तो जो दो रेजिस्टर है उसी को यूज करेंगे। और देख सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर जो कलेक्टर होगा कलेक्टर पॉइंट उसमें जो ट्रांसफार्मर का 12-12 आउटपुट है जो कि येलो वाला वायर है उसको हम दोनों ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में सोल्डिंग करेंगे। और जो ट्रांसफार्मर का बीच वाला वायर है 0 उसको पॉजिटिव सप्लाई देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये तो हमने ये पहला ट्रांजिस्टर से दूसरा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में सोल्डिंग कर दिए जो कि रेजिस्टर 330 ओम का है। देख सकते हैं ये तो हो गया। और देख सकते हैं यहाँ पर वैसे ही जो दूसरा ट्रांजिस्टर का बेस है देखिए, और अभी दूसरा ट्रांजिस्टर का बेस
ये दोस्तों सोल्डिंग अच्छा से नहीं पकड़ रहा है, तो ये सेट हो चुका है। और ये देख सकते हैं, ये एक 330 ओम का रेजिस्टर दोनों मिला के 330 ओम हो रहा है। और देख सकते हैं, ये दोनों को कनेक्ट करेंगे और ये तो हम सोल्डिंग करेंगे। ये सोल्डिंग हो जाने के बाद हम जो है ये देख सकते हैं, बहुत ही मुश्किल लग रहा है यहाँ सोल्डिंग करने के लिए। ये तो दोस्तों सोल्डिंग हो चुका है और ये ट्रांसफार्मर का वायर, इसको भी बहुत ही बढ़िया सोल्डिंग कर देंगे। ये दोनों ट्रांसफार्मर का जो 12-12 सप्लाई को यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये तो दोस्तों ये कलेक्टर में सप्लाई हो, सोल्डिंग हो गया है। और यहाँ पर जो ग्रीन वायर है, इसमें माइनस बैटरी का जो है माइनस वायर लगेगा, और ट्रांसफार्मर का सेंटर वायर है उसमें पॉजिटिव लगेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिए और ये देख सकते हैं, ये रहा नेगेटिव। तो ये जो अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन इसको जो जब हम हैवी लोड चलाएंगे, ये 9 वाट बल्ब तो सभी इन्वर्टर में जल जाएगा। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर हम लिथियम बैटरी से भी चेक करेंगे। जो पहले चेक किए थे वो जो है 12 वोल्ट पावर सप्लाई था, उसका वीडियो भी बनाए हुए हैं। और ये देखिए, ये बैटरी से भी बहुत ही बढ़िया से काम करेगा। ये देखिए, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर हैवी लोड चलाएंगे, देखिए ये तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। अब देख सकते हैं, यहाँ पर एक सॉकेट लगा दिए ताकि हम जो यहाँ पर हैवी लोड चला सकें। ये देखिए, यहाँ पर सब ओके है, लेकिन यहाँ पर जब हम ये ड्रिल मशीन 360 वाट का ड्रिल मशीन चलाएंगे, ये देख सकते हैं वायर को कनेक्ट किए और यहाँ पर ये जो इन्वर्टर में दोनों वायर कनेक्ट करने के बाद भी ये नहीं चल पा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो है हैवी लोड नहीं चला पा रहे हैं, इस सर्किट से हैवी लोड नहीं चल सकता। देख सकते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर हैवी लोड चलने का कोई बात ही नहीं है। देख सकते हैं एलईडी बल्ब एक नंबर जल रहा है, पूरा ब्राइट में जल रहा है, पूरा 100% ये एलईडी बल्ब का जो रोशनी है दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जब सोल्डिंग देख सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर ड्रिल मशीन लगाते हैं तो ये बंद हो जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर 2 3055 मोस जो 3055 ट्रांजिस्टर है उसमें
ये जो है इस तरह से काम करता है।